अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी बराबर। वैसे ही 12 मंथ है उसके, यहाँ पर हमें देखो जनवरी, तो जनवरी मंथ कौन सा है तो फर्स्ट नंबर का जिसको हम बोलते हैं जनवरी। अभी फिर है टू नंबर का फरवरी, जिसमें हमें फरवरी मतलब फेब्रुआरी जिसको हम बोलते हैं FEBRUARY फेब्रुआरी, मतलब ये सेकेंड मंथ ऑफ इन 12 मंथ, जो 12 महीने में जो सेकेंड नंबर का जो मंथ आता है उसको बोलते हैं फरवरी मतलब की फेब्रुआरी। थर्ड नंबर का है मार्च, मार्च MARCH मार्च महीना है वो थर्ड नंबर का है। अप्रैल है वो है फोर्थ नंबर का APRIL अप्रैल महीना। पांचवा महीना जो है वो है फिफ्थ नंबर का कौन मई, जिसमें हमें हमारी एग्जाम खत्म हो जाती है हम फ्री हो जाते हैं। सिक्स नंबर का है जून JUNE जून जून। फिर होता है कि जुलाई, सेवन मंथ ऑफ द क्या है जुलाई JULY जुलाई। एट नंबर का है जिसके अंदर बहुत सारे फेस्टिवल आते हैं वो क्या है अगस्त महीना, जिसको हम आठवा महीना बोलते हैं वो है AUGUST अगस्त मंथ। नाइन नंबर का है सितंबर मतलब के सितंबर SEPTEMBER सितंबर मंथ के बाद आता है अक्टूबर टेंथ महीना, टेंथ मंथ है वो है अक्टूबर OCTOBER अक्टूबर। फिर है नवंबर दिसंबर NOVEMBER नवंबर, जो इलेवंथ मंथ है ट्वेल्थ मंथ है दिसंबर, दिसंबर मंथ के बाद हमारा जो टाइम टेबल है हमारा कैलेंडर का वो खत्म होता है, उसके बाद रिव्यू चालू होता है जनवरी से बराबर। वैसे ही जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, वैसे ही 12 मंथ के एक एक ईयर हो जाता है, वैसे ही टाइम निकलता जाता है। तो सबसे पहले क्या होता है जनवरी, जनवरी के बाद लास्ट नंबर का होता है दिसंबर बराबर। तो अब है उसकी जो एक्सरसाइज है स्वाध्याय है, देखो पेज नंबर है आपका कौन सा 51 नंबर का। पढ़ो और लिखो, क्या लिखना है जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, यहाँ आपको 12 मंथ की नेम लिखने को दिया है बराबर। अब देखो नंबर टू नंबर का है जिसके अंदर निम्नलिखित महीनों के नाम अंग्रेजी में लिखो, आपको इधर उसके स्पेलिंग लिखना है इंग्लिश मंथ के। अगस्त तो जैसे कि AUGUST अक्टूबर का OCTOBER जनवरी का JUNE जनवरी सितंबर तो SEPTEMBER मई MAY फरवरी FEBRUARY फरवरी, वैसे ही आपको इसका इधर नाम लिखना है इंग्लिश के। फिर देखो खाली जगह में से सभी सही महीनों के नाम लिखो, स्वतंत्रता दिवस खाली जगह महीने में आता है तो कौन से महीने में आता है तो अगस्त महीने में आता है। बाल दिन कहाँ पर आता है तो सितंबर। फिर गांधी जयंती 2 अक्टूबर, यहाँ पर हमारा 25 चैप्टर कंप्लीट होता है और आपको हमारे ये 12 मंथ के नेम लिखने हैं 2 टाइम इन योर नोटबुक और इसका स्वाध्याय भी लिखना है। थैंक यू।